एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने लाइफ में सीखा है वो है, जब अनिश्चितता का काल होता है तो नुकसानें होती है, लॉस होता है। तो मैं हमेशा फॉर्मूला याद रखता हूँ, फॉरगेट अबाउट योर लॉसेस, फोकस ऑन योर अपॉर्चुनिटीज। जब अनिश्चितता का काल होता है तो जो भी अपना था वो अपना नहीं रहता। कल तक मेरा मार्केट था, आज नहीं। कल तक मेरा प्रोडक्ट चल रहा था, आज नहीं चल रहा। कल तक मैं एक तरीके से काम कर रहा था, वो चल नहीं रहा। यू नो, जो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था कि ये जो मेरा प्रोडक्ट हमेशा चलेगा, ये मेरा मार्केट हमेशा चलेगा, ये मेरा लाइफ हमेशा चलेगा, ये मेरा पैसा आता रहेगा, ये मेरा आदमी हमेशा रहेगा, ये मेरा टेरिटरी हमेशा रहेगा, ये मेरा शेयर हमेशा रहेगा। लेकिन जब अनिश्चितता का काल होता है तो मार्केट हाथ से जा सकता है, प्रोडक्ट हाथ से जा सकता है, शेयर आपका जा सकता है, एम्प्लॉय आपका जा सकता है। तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसानें होती हैं। तो मैं बोलता हूँ, भूल जाओ नुकसानों को, संधि पे ध्यान दो, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दो। इन नुकसानों के बावजूद भी जब ये नुकसान, क्योंकि आपने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि आपके साथ रहेगा करके, आपको लगता था कि हमेशा ये सब चीजें जो है ये आपके साथ रहेगा, तो ये सडनली गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। कई लोग इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर दे वांट, नहीं नहीं वो पुराना चीज वापस लाओ, वो पुराना जमाना वापस लाओ, वो पुराना मेरा मार्केट वापस लाओ। नहीं बाबा, वो गई, वो मार्केट गया, वो तरीका गया, वो प्रोडक्ट गया। तो अभी आपको जो संधि है, जो अपॉर्चुनिटी है, इंटायरली न्यू गेम खेलने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप जिद पकड़ रहे हैं कि पुराना जमाना आ जावे। अनिश्चितता के काल में जब नोटबंदी आई थी और जब बिलिंग का सिलसिला हुआ, हो सकता है कि आप टोटली दो नंबर के राजा थे। अब आप बोल रहे हो दो नंबर में जो मजा था वापस लाओ, नहीं आ सकता है, अभी बिलिंग करना ही है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है बिलिंग करके जो करोड़ों बनाने का, तो पहले बिल नहीं करके करोड़ों बनाया, बिल करके करोड़ों बनाओ। अब वो करोड़ों बनाने के लिए किस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए, कैसे उसको बढ़िया बनाया जाए, कैसे उसका मार्केटिंग किया जाए, कैसे यू नो इससे बाहर निकलना। तो अनिश्चितता का काल में तुम्हें ये याद रखना है कि जो तुम्हारा था वो हमेशा तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है, और वो अगर गई तो जिद ना पकड़ो कि वो वापिस आवे और वो धंधा वैसे ही रहे या प्रोडक्ट वैसे ही रहे। आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सामने, उस अपॉर्चुनिटी पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ये कर पाए और आपकी टीम के साथ आप कर पाए, तो आप इस अनिश्चितता का काल, इस अनसर्टन टाइम्स में आप अपने आप को डायरेक्शन दे पाएंगे और खुश अपने आप को रख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।